मतलब अगर राज्यपाल ये कह रहा है किसी स्टेट का कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, तो किसकी गवर्नमेंट है फिर पंजाब में? ये राज्य भवन जो है ये बीजेपी के हेडक्वार्टर बन चुके, और जो राज्यपाल हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के वो स्टार कंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। तो ऐसा पहले अखिलेश जी उनकी सरकारें भी झेल चुकी हैं, ऐसा किसी भी प्रदेश के लिए अध्यादेश आ सकता है कि जी बस आप खत्म हम शुरू। तो ये लोकतंत्र कहां गया? अभी अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के एक बुला रहे थे वो कह रहे थे भारत में लोकतंत्र जीवित है, वो व्हाइट हाउस से कह रहे थे, यहां बुलाने की जरूरत है उनको। जिस दिन ट्रंप जी आए थे उनकी पत्नी ने कहा मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, सरकारी स्कूल। तब स्कूल कौन से दिखाए गए? केजरीवाल वाले, एमसीडी वाले नहीं दिखाए गए, क्योंकि उनको पता था क्या हाल चाल। तो ऐसे मतलब आप सबको साथ लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास, जो जहां चुना गया है उसकी साथ दो। सेंट्रल सरकार के पास शक्तियां हैं, वो राज्यों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं? हमारा आरडीएफ का पैसा नहीं दिया अभी तक, हमारा जीएसटी रोक रखा है अभी तक, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक लेते हैं, हम ये पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये सरकारें चलती हैं ऐसे क्या? तो ये बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। और समाजवादी पार्टी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता इसमें हैं, और उन्होंने तो बहुत संकट देखे हैं देश पर। तो आज जिस गर्मजोशी से और जिस जो शिद्दत से हमें सम्मान दिया अखिलेश जी ने, हमें इज्जत दी, उसके लिए आप बहुत